हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ब्रेन बुक चैनल में जहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज दोस्तों ये द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर बुक का दूसरा पार्ट है अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर टेन से लेकर चैप्टर एटीन के बारे में बताऊंगा जिसमें राइटर रॉबर्ट ग्रीन ने ये बताया है की कि किस तरह आप लोगों के अंदर छिपे गुस्से को पहचान सकते हैं किस तरह आप अपनी लाइफ के पर्पज के बारे में जान सकते हैं कैसे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और भी बहुत सी बातें जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर टेन ऐसी चैप्टर टेन अहंकार से बचें द लॉ ऑफ एनवी इंसान आमतौर पर खुद को दूसरों से कंपेयर करता है हम लगातार दूसरों के स्टेटस उन्हें मिलने वाली रिस्पेक्ट और अटेंशन को खुद के साथ कंपेयर करते रहते हैं कुछ लोगों के लिए उनका काम और अच्छा बनाने में मदद करता है लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए ये जलन का कारण बन जाता है कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति अपनी इस जलन या एनवी को एक्सेप्ट नहीं करता है इससे पहले कि एनवी हमारे लिए टॉक्सिक यानी हानिकारक हो जाए हमें एनवी के शुरुआती सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए यदि हम हमेशा सिर्फ खुद पर ध्यान दें, तो हम एनवी को खत्म कर सकते हैं अपनी कीमत को खुद से पहचाने न कि दूसरों से तुलना करके राइटर ने यहाँ मैरी और जेन का उदाहरण देकर समझाया है कि जब जेन मैरी से मिली तो एक तरफ तो वह मैरी से प्रभावित हुई लेकिन वही दूसरी और मैरी के पास जो कुछ था उसके आगे जेन खुद को छोटा समझने लगी जिससे उसके मन में मैरी के लिए जलन या एनवी का जन्म होने लगा धीरे धीरे जैन की जलन बढ़ती गई जिसके चलते वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ही तकलीफ देती रही वक्त के साथ ना केवल मेरी और जेन की दोस्ती में दरार पड़ गई बल्कि इससे दोनों की लाइफ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा ऐसे लोगों को समझें, जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उनकी आंखों में हम जलन साफ साफ देख सकते हैं ऐसे लोगों की तारीफ बनावटी और खोखली होती है ऐसे दोस्त हमेशा आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और दोस्ती का फायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाते हैं सभी की तरह हम भी दावा करते हैं कि हम जलन या एनवी महसूस नहीं करते लेकिन ये सच नहीं है दूसरों से खुद की तुलना करने की आदत से छुटकारा पाना लगभग इम्पॉसिबल है लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है कोशिश करें कि आप दूसरों से जलने की जगह दूसरों की प्रशंसा करने पर ध्यान दें, दूसरों की खुशी में शामिल हों और उनकी सक्सेस के लिए उन्हें बधाई दें और यह विश्वास रखें कि आप अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर इलेवन अपनी सीमा पहचाने द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी राइटर कहते हैं कि हम इंसानों के अंदर खुद के बारे में हमेशा ऊँची सोच होती है यदि हमारे ऐसे विचार रियलिटी से अलग हो जाते हैं तो हम दिखावटी बन जाते हैं और हम खुद को महान समझने लगते हैं। अक्सर एक छोटी सी सक्सेस भी लोगों को दिखावे के खतरनाक लेवल पर ले जाती है हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर समझने लगते हैं कि हमारे पास गोल्डन टच है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिल रही है लेकिन रियलिटी में हमारी सक्सेस के पीछे लक भी हो सकता है और हम दूसरों की मेहनत को भी क्रेडिट नहीं देते हैं यही कारण है कि अक्सर हमारी सक्सेस देर तक नहीं टिकती। हमेशा खुद में और दूसरों में दिखावा करने के हिंट्स को देखें। अपने प्लान की सक्सेस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास होना क्रिटिसिज्म या आलोचना होने पर गुस्सा आना किसी भी तरह के अधिकार को नापसंद करना एक दिखावटी इंसान की पहचान है दिखावे को जड़ से खत्म करने के लिए रियल हो के सोचे अपनी सक्सेस को कभी भी अपनी ग्रेटनेस ना समझे एग्जाम्पल के लिए माइकल एसनर जो पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रेसिडेंट थे उनके करियर में एक मुकाम पर आकर वह अपनी पावर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वह रियलिटी से इतना दूर हटकर सोचने लगे कि उनके फैसले के रिजल्ट गलत और नुकसानदायक होने लगे आइसनर अपने शुरुआती करियर में न केवल रियल थे बल्कि दूसरों को भी क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए इंकरेज करते थे लेकिन सक्सेस पाने के साथ उनके थॉट्स भी बदलने लगे जिससे वह बहुत ही जल्द अपनी पावर खो बैठे एक दिखावटी इंसान जिसमें टैलेंट और एनर्जी हो वह लीडर तो बन सकता है लेकिन वह खतरनाक भी हो सकता है दिखावटी लोग कभी भी रियल होकर नहीं सोचते और ऐसा सोचते हैं जैसे महान होना उनकी किस्मत में लिखा है ग्रैंडियोसिटी यानी बड़ा बनने की इच्छा एक ऐसी एनर्जी है जो हम सभी में होती है यह हमारे पास जो है उससे अधिक पाने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए हमें एंकरेज करती है प्रॉब्लम ग्रैंडियोसिटी की एनर्जी में नहीं है हम इसे जिस तरह से यूज करते हैं उसमें है इस एनर्जी का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने जैसी चीजों में करें ना कि खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने में चैप्टर ट्वेल्व अपने अंदर के पुरुष या महिला के गुणों से जुड़े द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी हम सभी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन के गुण छिपे होते हैं लेकिन सोसाइटी में अपनी एक कंसिस्टेंट पहचान बनाने के लिए हम अपने इन गुणों को छिपा लेते हैं और जो मैस्कुलिन या फेमिनिन के गुण हमसे उम्मीद किए जाते हैं हम वही दिखाते हैं ऐसे में हम अपने कैरेक्टर के कीमती पहलू को खो देते हैं हमें इन खोए हुए मैस्कुलिन और फेमिनाइन गुणों को पहचान कर उनसे कनेक्ट होना चाहिए इटली की कैटरीना फोर्जा के समय में महिलाओं के पास बहुत ही लिमिटेड अधिकार थे लेकिन कैटरीना औरों के कंपैरिजन में अलग थी कैटरीना ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और उनका नेतृत्व भी किया वह अपने समय की सबसे पॉपुलर महिला समझी जाती थी उन्होंने अपने मैस्कुलिन और फेमेनाइन गुणों को साथ मिलाकर सोचने और काम करने का नया तरीका अपनाया महिला और पुरुष दोनों ही समान रूप से कैटरीना से इन्फ्लुएंस थे वह एक और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज के टॉपिक पर भी बात कर सकती थी और वहीं दूसरी और वह जो पाना चाहती थी उसके लिए किसी से फ्लर्ट करने में भी नहीं शर्माती थी यदि आप अपनी नेचुरल मैस्कुलिन और फेमिनाइन गुणों को पहचान लेंगे तो आप अपने अंदर छिपी हुई एनर्जी को आजाद कर पाएंगे और अपने से ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे चैप्टर थर्टीन उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ें। द लॉ ऑफ एमलेसनेस राइटर कहते हैं कि जानवरों की तरह हम इंसानों के पास खतरों को पहचानने का इंस्टिंक्ट नहीं होता है हम इंसानों को अपने कॉन्शियस फैसलों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है हम अपने अंदर कहीं न कहीं एक सही डायरेक्शन की कमी महसूस करते हैं हम अपने थॉट्स और दूसरों की ओपिनियन के कारण खुद का कभी इधर तो कभी उधर खिंचाव होता महसूस करते हैं हम अक्सर ही खुद से ये सवाल पूछते हैं कि हम इस जगह पर कैसे आ गए हम इस नौकरी को कैसे कर रहे हैं ऐसे फ्यूचर से बचने के लिए जरूरी है की आप अपने अंदर पर्पज यानी उद्देश्य की भावना जगाए और इस नॉलेज का इस्तेमाल सही फैसले लेने में करें ऐसा करने से हम खुद को और बेहतर जान पाएंगे और अपने इंटरेस्ट और पसंद को समझ पाएंगे और यह भी जान पाएंगे कि किन कामों को करना है और किन को इग्नोर करना है ऐसी एनर्जी और डायरेक्शन के साथ हमारे एक्शंस में कभी ना रुकने वाली एक पावर आ जाती है मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक कॉम्प्लेक्स इंसान थे उनके कैरेक्टर के कई पहलू थे एक और जहाँ वो प्लेजर और कम्फर्ट से प्यार करने वाले राजा थे वही दूसरी और वो अपने लोगों की प्रॉब्लम को समझने वाले राजा भी थे उनके अंदर एक ऐसा सेंसिटिव राजा भी छिपा था जो उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता था अपने कैरेक्टर के कई रूप होने के कारण वे हमेशा उलझन में रहते थे लेकिन जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स मूवमेंट में मॉन्टगोमरी का नेतृत्व संभाला उस पल उनकी लाइफ में एक पर्पज आया और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस पर्पज के पीछे लगा दी हम दुनिया के सामने भले ही समझदार और परफेक्ट बने की कोशिश करें लेकिन हकीकत में हमारे कई इमोशंस और कई चेहरे होते हैं अपनी लाइफ में एक निश्चित पर्पस को ढूंढें, अपने गोल्स की एक सीढ़ी बनाएं और छोटे स्टेप से शुरुआत करें वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है शॉर्टकट से बचें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें चैप्टर 14 समूह के नीचे खींचने का विरोध करें द लॉ ऑफ कन्फर्मिटी दोस्तों हम सभी के कैरेक्टर की एक ऐसी साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं जब हम लोगों के किसी ग्रुप के बीच होते हैं तो हम अलग तरह से बिहेव करते हैं लोगों के बीच हम उनके जैसा बोलते हैं और उनके जैसा बिहेव करते हैं हम उस वक्त एक अलग सोच रखते हैं हम जोखिम लेने और इर्रेशनल काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त और भी लोग हमारे साथ होते हैं दूसरों को सुनते सुनते और उनके जैसा बिहेव करते करते हम अपनी इंडिविजुअल पहचान और सोचने की एबिलिटी खो देते हैं इसका एकमात्र सॉल्यूशन सेल्फ अवेयर होकर ग्रुप में रहने के दौरान अपने बिहेवियर में आए बदलाव को समझना है ऐसा करके केवल हम पॉपुलर बन सकते हैं बल्कि किसी भी ग्रुप में फिट हो सकते हैं सन 1960 में चीन के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान चेयरमैन माओ ने सोचा कि वो इस ह्यूमन नेचर को बदल सकते हैं लेकिन माओ ये नहीं समझ पाए कि जब लोग ग्रुप में होते हैं तो वे गहरी सोच में नहीं उलझते उस वक्त वह बस उस ग्रुप में फिट होना चाहते हैं। इसकी वजह से पूरा देश कल्चरल रेवोल्यूशन के इश्यूज को पीछे छोड़कर ट्राइबल वॉर में उलझ गया और अंत में सन 1968 में देश में चल रहे फसाद पर काबू पाने के लिए माओ को पुलिस शासन लागू करना पड़ा सोशल फोर्स बहुत ही ताकतवर होता है यह हमें ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है हमें यह फील कराने के लिए मजबूर करता है कि हमारी भी कोई अलग एग्जिस्टेंस है और हम भी किसी ग्रुप से रिलेटेड हैं। सोशल फोर्स ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है ये तो बस हमारे नेचर का एक साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है हर ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होते हैं लेकिन एक हेल्दी और अच्छा ग्रुप वह होता है जिसमें सभी का एक ही पर्पज हो साथ ही जहां अपने थॉट्स और ओपिनियंस को शेयर करने की आजादी हो यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे ग्रुप बनाकर एक हेल्दी और सुखी सोसाइटी का निर्माण करें चैप्टर पंद्रह दूसरों से खुद को फॉलो करवाएं लॉ ऑफ फिकलनेस राइटर कहते हैं कि लीडरशिप का तरीका हमेशा समय के साथ बदलता रहता है लेकिन एक बात हमेशा पक्की होती है वह है कि जो पावर में होता है लोग हमेशा उस पर डाउट करते हैं लोग एक और तो किसी की लीडरशिप चाहते हैं वहीं दूसरी और आजादी भी चाहते हैं वे सिक्योरिटी और प्रस्पेरिटी तो चाहते हैं लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते वे राजा की पूजा भी करना चाहते हैं और उसे मारना भी चाहते हैं। जब भी आप किसी ग्रुप के लीडर बनते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं इसलिए यह बात याद रखें कि लोगों की वफादारी पाने के लिए आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा जब सन उन्नीस में एलिज़बेथ ट्यूडोर इंग्लैंड की रानी बनी तब वह जानती थी कि उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर है वह अपने पिता और दूसरे राजाओं की तरह नहीं थी उनके अंदर क्वीन बनने का कॉन्फ़िडेंस बिल्कुल नहीं था ना तो उनके पास पावर थी और ना ही कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था उस समय देश के हालात भी खराब थे लेकिन एलिजबेथ के पास बड़ी सोच और दिमाग दोनों ही थे एलिजबेथ ने खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाई आम जनता तक अपनी पहुंच बनाई साथ ही यह भी साबित किया कि किसी अन्य राजा की तरह ही व्यापार और राज्य पर उनकी अच्छी पकड़ है उनका बिहेवियर हमेशा पोलाइट और नेचुरल था वह अपने आसपास के लोगों के मूड का हमेशा ध्यान रखती थी उन्होंने कभी भी अपनी पावर को खुद पर हावी नहीं होने दिया एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वह दूर की सोच रखकर काम करे और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए दूसरों की बात को ध्यान से सुने और रिस्पेक्ट पाने के लिए काम करें हमेशा लेने से ज्यादा देने के बारे में सोचें और किसी भी माहौल या सिचुएशन में खुद को ढालने को तैयार रहें चैप्टर सोलह दोस्ती के पीछे छुपी शत्रुता को जाने द लॉ ऑफ अग्रेशन लोग सामने से देखने पर पोलाइट और डिसेंट दिखते हैं लेकिन अपने इस मुखौटे के पीछे वे फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहे होते हैं ऐसे लोगों में दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और पावर हासिल करने की चाहत होती है अपने इमोशंस में बंधे ऐसे लोग अपने मैनिपुलेटिव तरीकों से लोगों को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं वहीं ऐसे लोग भी हैं जिनकी पावर को पाने की इच्छा और बेसब्री दूसरों से ज्यादा होती है ऐसे लोग काफी गुस्से वाले होते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को डराते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं हमेशा ऐसे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें ऐसे लोगों को पहचाने उनके पास में किए गए बिहेवियर उनके आसपास की सभी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत दर्शाती है कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं जैसे कि फेमस बिजनेस टाइकून जॉन डी रॉकफेलर जो अपनी जगह सिक्योर करने और किसी भी कंपटीशन या चुनौती को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश करते थे ऐसे लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं आप चाहें तो उनके ऐसे बिहेवियर और एक्शन को देख कर, उनकी इस पावर को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं राइटर ने कई तरह के गुस्सैल लोगों के बारे में बताया है जैसे कि क्रॉनिक अग्रेसर ऐसे लोग हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और वे अपने आसपास के लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं सफिस्टिकेटेड अग्रेसर इनके दुश्मनों की संख्या से आप इन्हें पहचान सकते हैं एक सफिस्टिकेटेड अग्रेसर को कभी भी चुनौती देने की कोशिश ना करें वरना आप हार जाएंगे क्योंकि ऐसे लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं पैसिव अग्रेसर्स ऐसे लोग आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं चैप्टर सत्रह ऐतिहासिक पलों को कैद करें द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया राइटर के अनुसार हर जनरेशन अपनी पहली जनरेशन से खुद को अलग करना चाहती है और अपने तरीके से दुनिया को बदलना चाहती है इस प्रोसेस में हर जनरेशन कुछ पसंद नापसंद कुछ नियम और सोचने का तरीका बनाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जनरेशन के यह नियम और विचार हमें बाकी सभी पॉइंट ऑफ व्यू से दूर कर देते हैं आपका काम यह समझना है कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं तथा इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस तरह आप अपनी जनरेशन द्वारा बनाए गए मेंटल बैरियर्स को तोड़ पाएंगे और इस आजादी के साथ एक बेहतर इंसान बन सकेंगे अपनी जनरेशन की सोच को समझें कि इस समय में यह किस तरह से अपना योगदान दे रहा है इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जनरेशन अपने पहले और बाद की जनरेशन के लोगों के साथ कैसा बिहेव करती है कभी कभी अपने पेरेंट्स या बच्चों के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करें चैप्टर 18 अपनी मृत्यु को ध्यान में रखें द लॉ ऑफ डेथ डिनाइल हमें से ज्यादातर लोग मौत के विचार को अवॉइड करते हैं और मौत की बात सोचकर डर जाते हैं लेकिन इसकी जगह मौत की सच्चाई हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए यह लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी इसकी समझ हमारी जिंदगी को एक पर्पस देती है और अपने गोल्स की तरफ काम करने का एहसास दिलाती है यह हमें इस बात की समझ देती है कि हमारी छोटी सी जिंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं कुछ लोग खुद को दूसरों से अलग करके महान महसूस करते हैं लेकिन हमें देखना चाहिए कि सबकी मौत होती है और यह सच्चाई हम सभी को समान बनाती है अमेरिका के महान राइटर्स में से एक फ्लैनरी ओ कॉर्नर की मृत्यु उनतालीस साल की उम्र में हो गई उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी तेरह साल ल्यूपस जैसी बीमारी से लड़ते हुए गुजार दिए वह जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम है उन्होंने अपनी मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट किया और इस सोच का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए किया उन्होंने बस इस बात पर फोकस किया कि उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए क्या मैटर करता है वह भले ही बहुत कम समय तक जीवित रही लेकिन उन्होंने बस वही किया जो वह करना चाहती थी और अपनी इस सोच के कारण एक महान राइटर के रूप में उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया ज्यादातर इंसानों के लिए मौत एक डरावनी चीज है हम केवल मौत से जुड़े दुख और दर्द को देख पाते हैं लेकिन हमें जरूरत है कि हम लाइफ की इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें और इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कुछ नया सीखने और खुद को मजबूत बनाने में करें मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ ज्यादा खुलकर और टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं इससे हमारा काम भी बेहतर हो जाता है और हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाते हैं तो दोस्तों यह इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं पहला हम अक्सर ही खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं जो न केवल जलन या एनवी को जन्म देता है बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को भी खराब करता है आप जलन या एनवी की जगह दूसरों की प्रशंसा करने पर ध्यान दें दूसरा हम खुद को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं और छोटी सी सक्सेस मिलने पर ही खुद को महान समझने लगते हैं। इसलिए हमारी सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकती तीसरा अपनी लाइफ में एक निश्चित पर्पस को ढूंढें, अपने गोल्स की एक सीढ़ी बनाएं और छोटे स्टेप से शुरुआत करें वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है चौथा एक हेल्दी ग्रुप का निर्माण करें जिसमें सभी का एक ही पर्पज हो साथ ही जहां अपने थॉट्स और ओपिनियंस को शेयर करने की आजादी भी हो पांचवा एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों के साथ दोस्ती करके उनका भरोसा जीतता है और दूसरों के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ता और अपनी पावर का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है छठा लोग सामने से तो पोलाइट लगते हैं लेकिन उनके इस मुखौटे के पीछे अग्रेसिव रूप छिपा होता है ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई होती है सातवा इंसान भले ही मौत के बारे में सोचने से डरता है लेकिन मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट कर के हम और अधिक फ्रीडम और खुशी महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है मुझे उम्मीद है कि पहले पार्ट की तरह आपको दूसरा पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपका समय शुभ हो